Good morning friends, this is KD Shivam. Welcome to our channel KD Shivam. Okay, today we are going to discuss about a new topic, maxims of law of thoughts. Law of thoughts mein jo basic maxims hain, wo do basic maxims ke baare mein aaj hum discuss karne wale hain, right? Aur agar aapko ye video pasand aaye to please like, share aur subscribe kijiye hamare channel ko aur wo bell icon press kijiye so that aapko ye नेक्स्ट वीडियो का भी आपको अपडेशन मिलता रहे. ऑलरेडी हमने मैक्सिम्स ऑफ इक्विटी किया हुआ है, यू कैन विजिट माय चैनल और आपको उसके प्लेलिस्ट मिल जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट मैक्सिम्स ऑफ लॉ ऑफ थॉट्स. इंट्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं थॉट क्या होता है. थॉट इज ए सिविल रॉन्ग, राइट? तो ऑलवेज यू स्टार्ट विथ दिस. थॉट इज ए सिविल रॉन्ग. दिस रॉन्ग इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. तो ये बिल्कुल अलग है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से, राइट? ये एक ऐसा रॉन्ग है, इट्स अ सिविल रॉन्ग, राइट, जो किसी के लीगल राइट को वायलेट करता है. तो दिस टॉट इज रिट्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, राइट? ये डैमेज दिख भी सकता है, डैमेज नहीं भी दिख सकता. तो this is called unliquidated damages or ye redressable hai. Next, conditions of liability and tort, right? To kaun se elements de ho, to kaun se conditions available ho, then it is said to be a tort. Ye kaise hai dekhi. First, it should be a wrongful act. Sabse pehla condition kya hai? It should be an wrongful act. Second, there must be a legal damage. लीगल डैमेज मतलब किसी के राइट वायलेट हुआ होना चाहिए, लीगल राइट्स वायलेट हुआ होना चाहिए. और जहां लीगल डैमेज होगा वहां ऑफ कोर्स अ लीगल रेमेडी अवेलेबल होना चाहिए, राइट? तो फर्स्ट इज रॉन्गफुल एक्ट, सेकंड इज लीगल डैमेज एंड थर्ड दैट शुड बी अ लीगल रेमेडी अवेलेबल. नाउ व्हाट इज रॉन्गफुल एक्ट? टू डिटरमाइन द लायबिलिटी इन टॉर्ट इट मस्ट बी प्रूव्ड दैट द एक्ट डन बाय डिफेंडेंट वाज ए रॉन्गफुल एक्ट. सबसे पहले तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो उन्होंने किया है, ये जो उनका एक्शन है वो एक रॉन्गफुल एक्ट है. दिस रॉन्गफुल एक्ट इज डन विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन. द एक्ट बिकम्स रॉन्गफुल ओनली व्हेन देयर इज वायलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ अनदर, राइट? एक एक्ट कब रॉन्गफुल हो सकता है? जब आप किसी का लीगल राइट को वायलेट करते हैं तो अपने आप वो रॉन्गफुल एक्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि जैसे ये एक इलेक्शन ऑफिसर है, इलेक्शन ऑफिसर ने किसी को वोट देने से मना कर दिया या तो उसको प्रोहिबिट या उसको स्टॉप कर दिया, राइट? दैट इज द थिंग. तो उन्होंने अपना ड्यूटी नहीं निभाया, दैट इज अ लीगल रॉन्ग, दैट इज अ रॉन्गफुल एक्ट. तो नो वायलेशन ऑफ लीगल राइट, नो टॉट. वायलेशन ऑफ सोशल मॉरल रिलीजियस ड्यूटीज डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ टॉट्स. देख लीजिए, violation of social, moral, religious duties does not come under the category of torts. Therefore, important thing is that plaintiff has to prove that the violation of his legal right by the defendant in the tort. Now, tortious liability. क्या क्या tortious liability आता है? सबसे पहले an act, बराबर कोई action होना चाहिए. Then an omission of act. तो देखिए दो type, either an act is done और एन एक्ट वॉज नॉट डन, दोनों टॉट में आ सकते हैं, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल डूइंग एन एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड इज टॉट, डूइंग एन एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड इन टॉट, राइट? वायलेटिंग ऑफ अनदर्स लीगल राइट इज टॉट, वायलेटिंग वंस ओन लीगल ड्यूटी इज टॉट. देयरफॉर इट इज सेड दैट वेयर लीगल राइट्स ऑफ अनदर इज वायलेटेड देयर इज वायलेशन ऑफ लीगल ड्यूटी बाय द रॉन्गडूअर, राइट? ये तो इजी है. देखिए किसी का अगर आप लीगल राइट्स वायलेट करते हैं दैट मीन्स आपने अपना लीगल ड्यूटी वायलेट किया है या तो पूरी तरह से निभाया नहीं है, दैट इज द थिंग, राइट? तो दिस इज व्हाट अ टॉर्शियस लायबिलिटी. लीगल डैमेज क्या क्या है? डैमेज इज द रिजल्ट ऑफ द रॉन्ग डूअर्स एक्ट. डैमेज एंड डैमेजेस आर टू डिफरेंट थिंग. डैमेज इज द हार्म डन टू ए पर्सन. देखिए डैमेज और डैमेजेस अच्छी तरह समझ लीजिए. डैमेज इज द हार्म डन टू ए पर्सन बाय द रॉन्गफुल एक्ट
एंड डैमेजेस मीन्स कंपेंसेशन, जिस एक्ट की वजह से उनको जो मिला है मुआवजा मिला है दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन विच इज गिवन टू द प्लांटिव फॉर लॉस सफर्ड बाय हिम फॉर हार्म डैमेज कॉज टू प्लांटिव. द एक्शन फॉर डैमेजेस लाइज फॉर इंफ्रिंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स लीगल राइट्स. वायलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ प्लांटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस चीज में वायलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ प्लांटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट. Where there is no violation of legal right of a person, no action in tort will lie. Even if he, बराबर अगर उनको बहुत सारा loss क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर उनका legal right violate नहीं हुआ, then there is no action in tort. Now, very important point to remember. There may be violation of legal right without legal damage, but there cannot be a damage without violation of legal right. Okay? Now, let's understand कि ये जो legal damage की बात करते हैं तो ये दो maxims हैं वो उसे समझाते हैं बहुत अच्छी तरह से. वो दो basic maxims हैं, damnum sine injuria और injuria sine damnum, right? Let's understand first one, damnum sine injuria. एक एक word का meaning देख लेते हैं. First of all, this means that damage without injury. Damage without injury. Damnum means damage, injuria means violation of legal right, or sign means without, right? That is damage without injury. Thus it means actual harm or loss caused without violation of legal right. Above thing is not actionable in law of tort. Aur ye maxims ke liye koi action hai nahi in law of tort, barobar, kyunki usne koi legal right violate kiya hi nahi hai, kisi ka legal right violate nahi kiya, तो उनको कोई कंपनसेशन पे करने की जरूरत नहीं है. इसको एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझते हैं. एक कॉस्ट लॉ केस लॉ था, ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल. इस केस में ऐसा था कि एक टीचर एक स्कूल में पढ़ाते थे. अब क्या हुआ कि कुछ डिस्प्यूट हुआ होगा मैनेजमेंट और उन्होंने, वो टीचर ने क्या किया, उस स्कूल के सामने एक अपना स्कूल इंस्टीट्यूट चालू कर दिया और उसने फीस थोड़ा कम रखा होगा. तो क्या हो गया, वो जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के ये सारे ज़्यादातर वहाँ चले गए और इसके वजह से स्कूल को काफ़ी नुकसान हुआ. स्कूल ने उस टीचर के सामने केस कर दिया, राइट. बट लॉ ऑफ टॉट सेज दैट इन दिस केस द डिफेंडेंट दैट इज टीचर बाय सेटिंग अप ए स्कूल नियर द प्लांटिव स्कूल हैड एक्सरसाइज्ड इस लीगल राइट. क्योंकि कोई भी लॉ में ऐसा नहीं लिखा है कि आप एक स्कूल के सामने दूसरा स्कूल या इंस्टीट्यूट नहीं खोल सकते, राइट. एंड देयरफॉर नो एक्शन कैन लाई अगेंस्ट हिम. इट वाज हेल्ड दैट द प्लेंटिफ वाज नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी कंपनसेशन. अब वैसा एक और एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक्शन वर्सेस ब्लैंडल. अब एक्शन जो है वो ये डिफेंडेंट जो है वो अपने लैंड में, जो अपना लैंड में आप कुछ भी कर सकते हैं, तो वहाँ एक कोल माइन वो डिग कर रहे थे, मतलब खोद रहे थे. अब जब काम चल रहा था तब अनजाने में उनके उस काम की वजह से जो पानी का जो फ्लो होता है बहाव होता है वो जो बाजू वाले जो है प्लेंटिफ के लैंड में जो वेल है बराबर कुआ, वहाँ का पानी का रुकावट आ गया और इसके वजह से जो कुआ जो है कुएं का पानी जो है वो ड्राई हो गया, राइट. तो अब प्लेंटिफ ने शुरू कर दिया और लेकिन यहाँ कोर्ट ने ये बताया कि इन दिस केस द डिफेंडेंट हैड डग अ कोल माइंस ऑन हिज लैंड. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द वाटर गोइंग टू द वेल ऑफ द प्लांटिफ वाज इंटरप्टेड एंड हिज वेल बिकम ड्राई. इट वाज हेल्ड दैट द डिफेंडेंट्स वर नॉट लायबल एज दे वर एक्सरसाइजिंग देयर लीगल राइट ऑन देयर ओन लैंड, राइट. जब आप अपने लैंड पे अपना लीगल राइट एक्सरसाइज करते हो और इससे अगर किसी को नुकसान होता है तो इट इज नॉट योर फॉल्ट. नेक्स्ट मैक्सिम इंजूरिया साइन डैमनम या तो डैमनो, वापस वैसा ही है, वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट एनी डैमेज टू द प्लेंटिफ. देखिए यहाँ कुछ अलग है, आपने लीगल राइट को वायलेट किया है लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी टॉर्ट में इसके लिए एक्शन है, रेमेडी है. So it means that violation of legal right without any damage to the plaintiff.
Injuria means violation of legal right. Sign means without. And damna means damages in the form of money, health or happiness. Now, violation of legal right of a person is actionable. It is immaterial whether it caused any real harm or loss to that person or not. इसको हम समझते हैं एक अच्छे केस लॉ से. एशबी वर्सेस वाइट. इन दिस केस इट वॉज हेल्ड दैट द डिफेंडेंट बाय रिफ्यूजिंग और रॉन्गफुली टू एक्सेप्ट प्लेंटिव्स वोट इन पार्लियामेंट्री इलेक्शन वायलेटेड द प्लेंटिव्स लीगल राइट एंड वॉज एंटाइटल्ड टू डैमेजेस दो प्लेंटिव सफर्ड नो लॉस. देखो किसी को वोटिंग देने से रोकने से उसे कुछ नुकसान तो होने वाला नहीं है. हाँ उसने अपना फंडामेंटल राइट गवाया है राइट. तो दैट इज व्हाट टॉट मींस राइट. उन्होंने इस इलेक्शन ऑफिसर ने क्या किया अपना लीगल ड्यूटी निभाने से चुके हैं. दैट इज यस वायलेटेड इज लीगल राइट एंड दिस लीगल राइट हैज कॉज्ड लीगल डैमेज राइट. तो ये लीगल डैमेज ऐसा दिखे ऐसा जरूरी नहीं है बट स्टिल इट इज अ वायलेशन. सो दिस इज हाउ द court judged that the parliamentary election the plaintiff's legal right and was entitled to damages though plaintiff suffered no loss. Dusra ek case hai Marzetti versus Williams. Yahan waisa hi tha. Plaintiff had an account in the defendant's bank and was having sufficient fund in his account. Agar aapka aaj bank mein ek account hai to you have all the rights to withdraw or deposit your money right. You can't be stopped. लेकिन यहाँ बैंक ने उनको स्टॉप किया था राइट. तो ये भी वायलेशन ऑफ लीगल राइट है. तो इन स्पाइट ऑफ दिस बैंक रिफ्यूज टू ऑनर हिज चेक इट वॉज हेल्ड दैट बैंक वॉज लाइबल टू पे डैमेजेस टू द प्लेंटिव इवन दो ही हैड सफर्ड नो एक्चुअल लॉस. लीगल रेमेडी क्या है. एज वी नो टॉट इज सिविल रॉन्ग फॉर दिस रेमेडी इज एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस राइट. दिस इज द थिंग right. So this is an action for unliquidated damages. The main and important remedy is an action for damages. It is mainly the right to damages which brings wrongful acts within the category of torts. The law of tort is said to be a development of maxim or ye the law of tort is a maxim developed by that is ubi jus ibi remedium. Where there is a wrongful act that is always a legal remedy right. That is the thing. Conclusion. These maxims are used as rules to determine a person's liability in the law of torts. One first one is a moral wrong for which there is no legal remedy. Barabar ye moral wrong hota hai matlab behavior pe depend karta hai to ye aise sulja sakte hai but there is no action for this as it follows allows the people to act in a reasonable manner that is not unlawful in nature even though it causes damages to others. Its main aim is to provide no ground for actions for acts that are not violative of anyone's rights. And the other maxim allows a person to seek legal remedies for his infringement of legal rights even though there has been no actual loss incurred by the person. Its main aim is to provide grounds for legal actions against the person who has violated one's legal rights. Second one kya kehta hai ke makes a person to seek legal remedies for his infringement of legal rights, infringement of violation of legal rights even though there has been no actual loss incurred by the person. Its main aim is to provide grounds for legal actions against the person who has violated the legal rights. So dosto I hope you understood दिस टू मैक्सिम्स. बहुत ईजी है, इसे पॉइंट वाइज समझ लीजिए और जब लिखते वक्त भी आप अपने पॉइंट वाइज लिख सकते हैं. स्पेशली LLB स्टूडेंट्स और जो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिख रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी काम आएगा. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए. आई कैन सेंड दिस स्लाइड्स टू यू. ओके, थैंक यू. प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को और अगर आपने वो बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ प्रेस कीजिए सो दैट आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो का अपडेशन मिलता रहे. ओके, सो बाय टिल आवर नेक्स्ट वीडियो. हैव अ नाइस डे.